ब्रेकिंग न्यूज आ रही है यूक्रेन की जंग से जुड़ी। रूस ने ताल ठोककर यूक्रेन से बदला लिया है और इसी के साथ एक बार फिर शायद 136 ड्रोन ने जंग के मैदान में जबरदस्त एंट्री मारी है। रूस ईरान से मिले शाहिद ड्रोन से यूक्रेन को लगातार निशाना बना रहा है, लेकिन इस बार का हमला रूस के लिए काफी अहम था क्योंकि इस बार उसके ड्रोन पुतिन का मैसेज लेकर यूक्रेन पर टूटे। यह पुतिन के बदले का मैसेज था, उस एयरबेस अटैक का बदला जो इस महीने की शुरुआत में ही रूस पर हुआ था। दिसंबर शुरू होते ही रूस की एयरफोर्स के 3 हवाई अड्डों पर ड्रोन अटैक हुए थे और रूस ने उन ड्रोन अटैक का जिम्मेदार यूक्रेन को ठहराया था। इसलिए पुतिन ने जेलेंस्की को उन्हीं की भाषा में जवाब देने का मन बना लिया और ड्रोन का जवाब ड्रोन से दे डाला, जिसके लिए रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर शाहिद ड्रोन छोड़ दिए। रूस का यूक्रेन को शाहिद ड्रोन से निशाना बनाना कोई नई बात नहीं, लेकिन इस ड्रोन हमले में जो नया था वो ये कि इस बार ड्रोन अकेले नहीं आए, इस बार वो अपने साथ एक खतरनाक मैसेज लेकर यूक्रेन पर टूटे। ये मैसेज था पुतिन का। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें शेयर की गई उनमें मार गिराए गए एक शाहिद ड्रोन पर रूसी भाषा में बिल्कुल साफ साफ शब्दों में हाथ से फॉर रिजाइन लिखा नजर आया, यानी रिजाइन के लिए। और रिजाइन रूस का वो इलाका है जहां मौजूद एयरबेस पर 5 दिसंबर को धमाके हुए थे। ये बहुत अहम एयरबेस है क्योंकि वहां परमाणु हथियार दागने वाले रूस के बॉम्बर तैनात रहते हैं। और तब दावा किया गया था कि धमाकों से रूस के कुछ बॉम्बरों को भी नुकसान पहुंचा था। तब यूक्रेन की एयरफोर्स के वेरिफाइड ट्विटर अकाउंट से 2 तस्वीरें पोस्ट की गई थीं, जिनमें एक फोटो में रूस के एक बॉम्बर का कचूमर निकला हुआ दिखा भी था। उस पोस्ट में यूक्रेन की वायुसेना ने जस्ट मनाते एक इमोजी के साथ लिखा था कि रिजाइन क्या हुआ, यानी कि यूक्रेन सीधे सीधे रूस का मजाक उड़ा रहा था, उसे पहुंचे नुकसान का जश्न मना रहा था। और पुतिन पहले दिन से अपने परमाणु हथियारों का दम भर रहे हैं, ऐसे में उनके इतने अहम हथियार को चोट पहुंचेगी तो वो हाथ पर हाथ धरकर तो बैठे नहीं रहेंगे। इसलिए रूस ने भी यूक्रेन पर ड्रोन बरसा दिए और सीधे सीधे यूक्रेन से बदला लेने का ऐलान कर दिया। लेकिन रूस ने अचानक यूक्रेन पर वार नहीं किया, बल्कि उसने पहले ही बदला लेने की चेतावनी दे दी थी, जिसकी सैटेलाइट तस्वीर भी कुछ दिन पहले सामने आई थी। उस तस्वीर में रूस के एक एयरबेस में एक विमान खड़ा दिखा और नीचे रनवे पर रूसी भाषा में लिखा था डेथ टू द नाज़ीज, मतलब नाज़ियों की मौत। रूस यूक्रेन की ज़ेलेंस्की सरकार को नाज़ी ही बताता है और 24 फरवरी को उसने उस कथित नाज़ी सरकार से यूक्रेन के लोगों को आजाद कराने का ऐलान करते हुए यूक्रेन पर हमला कर दिया था। रूस के जिस एयरबेस की ये तस्वीर है वो उसके सरातफ इलाके में आता है। 5 दिसंबर को रूस के रिजाइन के साथ सरातफ इलाके में मौजूद एयरबेस पर भी धमाका हुआ था। रूस के ये दोनों ही एयरबेस यूक्रेन से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर हैं। रूस का दावा है कि उसके एयरबेस पर धमाके यूक्रेन ने किए थे। ये रूस के लिए बहुत बड़ा झटका है क्योंकि यूक्रेन अगर रूस के इतनी अंदर हर वक्त सुरक्षा के घेरे में रहने वाले संवेदनशील हवाई अड्डों पर हमला कर सकता है तो उसकी राजधानी मॉस्को को दहलाना तो यूक्रेन के लिए बाएं हाथ का खेल है।